नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। लंबे समय से इस चैनल पर मैं कोई वीडियो नहीं डाल पा रहा था, उसकी वजह ये रही कि वक्त नहीं निकाल पा रहा था मैं। लेकिन आज बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ मैं आया हूँ, क्योंकि स्कूल के एग्ज़ाम्स भी चल रहे हैं। अगले कुछ दिनों में स्कूल के एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे और उसके बाद में जद्दोजहद शुरू होगी कि हमें कौन सा करियर पाथ चूज़ करना चाहिए, जिसके ज़रिए आप अपने ज़िंदगी में एक जायज़ मकाम हासिल कर सकें। क्योंकि जब हम 12th क्लास में होते हैं तो हमारे पास ऑप्शंस तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन अवेयरनेस ना हो पाने के की वजह से हम सही करियर पाथ को चूज़ नहीं कर पाते हैं। इसी चीज़ को लेकर के ये वीडियो मैं तैयार कर रहा हूँ आपके लिए। जैसे जब आप 12th पास करेंगे तो आपको सलाह देने के लिए बहुत सारे लोग आएंगे और वो कहेंगे कि आप ऐसा कुछ करिए कि आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। लेकिन गवर्नमेंट जॉब कितनी ज़रूरी है, क्या यही आपकी ज़िंदगी को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म करेंगी, या बहुत सारी अन्य चीज़ें हैं जिन पर आपको हाथ डालने की ज़रूरत है। मेरी ज़िंदगी के फ़लसफ़े तीन हैं। वो फ़लसफ़े ऐसे हैं कि आपकी ज़िंदगी में हमेशा प्लानिंग्स होनी चाहिए। आप चाहे 12th में पढ़ रहे हों या 10th में पढ़ रहे हों या ग्रेजुएशन कर रहे हों, हमेशा याद रखें कि अपना प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी ज़रूर तैयार करके रखें, तभी आप अपने करियर में और अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो पाएंगे। प्लान ए, अगर मान लीजिए आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपका प्लान बी रेडी होना चाहिए कि आप कम से कम इतने स्किल्ड तो हों कि अगर आपका प्लान ए नाकामयाब होता है तो आप प्लान बी को ऑप्ट कर सकें। अक्सर हम देखते हैं कि जो बच्चे छोटे शहरों में पढ़ रहे होते हैं और जिनका बैकग्राउंड उतना मजबूत नहीं होता, हिंदी मीडियम से आए हुए होते हैं, और वो गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाते हैं क्योंकि क्रेज़ ज़्यादा होता है छोटे शहरों में गवर्नमेंट जॉब का, क्योंकि वो उसे एक सुरक्षित जॉब माना जाता है और उनकी स्किल्स के हिसाब से वो ठीक भी बैठती हैं, तो वो गवर्नमेंट जॉब की तरफ तो चले जाते हैं। लेकिन जब उसका रिजल्ट आता है तो कुछ मुट्ठी भर लोगों का सिलेक्शन होता है जो बाकी लोग हैं उन्हें वापस लौटना पड़ता है। हाँ, ये बात और है कि जिनका सिलेक्शन होता है तो उनका नाम तो हम जोर शोर से सुनते हैं, लेकिन जिनका सिलेक्शन नहीं होता उनके बारे में शायद हम जानते भी नहीं हैं। तो ज़रूरी ये है कि हम अपनी ज़िंदगी के लिए प्रिपरेशन कुछ इस कदर में करें कि हमें बाद में पछतावा बिल्कुल ना हो। तो ज़रूरी ये है कि हम कुछ ना कुछ स्किल्स अपने अंदर डेवलप कर लें। अब वो स्किल्स क्या हो सकती हैं, आज के समय पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको ऑनलाइन जॉब्स दिला सकती हैं। अब ऑनलाइन जॉब्स में कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीखते हैं और आप SEO एक्सपर्ट के तौर पर सबके सामने आते हैं तो वो भी एक अच्छा करियर ऑप्शन है जो आप अपनी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने के साथ साथ सीख सकते हैं। आप एक या दो घंटे अगर रोज़ देंगे तो आप बहुत ही कम समय में एक डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट बन जाएंगे। इसके अलावा आप डेटा साइंस कर लीजिए। डेटा साइंस मैथमेटिशियन जो स्टूडेंट होते हैं अपने आप को बहुत बढ़िया समझते हैं मैथमेटिक्स पर, वो डेटा साइंस कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप डेवलपमेंट की तरफ जाना चाहते हैं, आजकल डेवलपर एक बहुत अच्छी करियर चॉइस है। और फ्रंट एंड डेवलपर हों या बैक एंड डेवलपर हों, या आप वैसे डेवलपर हों कि आप फ्रंट एंड भी संभाल लें और बैक एंड भी संभाल लें, तो आप इसको ओवरऑल डेवलपर बोलते हैं इसको, उस चीज़ को भी आप कर सकते हैं और अपना एक करियर पर एक नया मोड़ दे सकते हैं। देखिए, प्राइवेट और सरकारी नौकरी में डिफरेंस क्या है? अब हाँ, मैं ये मानता हूँ कि सरकारी नौकरी परमानेंट नौकरी होती है और प्राइवेट नौकरी में आपको कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है कि चलिए अब आपकी जॉब नहीं रही और आप जाइए। लेकिन प्राइवेट नौकरी में आपकी स्किल्स बहुत काम आती हैं। अगर आपके पास स्किल्स हैं तो आप कहीं भी जॉब हासिल कर सकते हैं और इसी तरीके से आप अपनी चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन सरकारी नौकरी में अगर आप एक बार लग गए तो लग गए, लेकिन सरकारी नौकरी का कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि वहाँ पर 90% लोग जो अपियर हो रहे होते हैं उनका सिलेक्शन नहीं होता, सिर्फ 10% लोग ही होते हैं और जिनका सिलेक्शन होता है। क्योंकि अब हमारी इंडिया की पॉपुलेशन करीब 1.30 करोड़ है और सरकारी जॉब महज 1 या 1.5 करोड़ होंगी, तो कितने लोग फिट हो पाएंगे आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इस लिहाज से आपके पास में मौजूदा समय में, अगर आप इंडिया में, तो आपके पास में एक्स्ट्रा स्किल्स होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और इसीलिए अगर आप लैंग्वेज आपकी अच्छी है, आप लैंग्वेज को लेकर के भी एक
बहुत बढ़िया करियर ऑप्शन बना सकते हैं। हम जर्मन सीखिए, इटालियन सीखिए, फ्रेंच सीखिए या कोई और लैंग्वेज सीखिए, आप इंटरनेट पर सर्च करिए, आपको पता चल जाएगा कि कितनी लैंग्वेजेस की डिमांड है इस समय पर। अगर आप उनका ट्रांसलेशन भी करते हैं लैंग्वेजेस में, अगर आप इंटरप्रिटेशन भी करते हैं, इंटरप्रिटेशन का मतलब ये होता है कि किसी की बातों को सुनना और दूसरों को बताना उसी अंदाज में, नेटिव स्पीकर के अंदाज में, तो उसके भी आपको बढ़िया मिलते हैं पैसे और आप इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं। ऑफ कोर्स अगर आपके पास कोई स्किल है तो बहुत सारे ऐप हैं, एमएक्स टकाटक है और जोश है और अन्य तरह के ऐप्स हैं जहाँ पर आप इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं इंस्टाग्राम पर जा करके, और वहाँ पर अपने फॉलोअर्स गेन कर सकते हैं। और अगर आप इन्फ्लुएंसर बन पाते हैं, एक अच्छा खासा फॉलोअर बेस अगर आप खड़ा करने में कामयाब हो गए, तो अल्टीमेटली आपको एड्स मिलने शुरू हो जाते हैं कंपनियों से और आपकी इनकम भी शुरू हो जाती है। तो ये कुल मिलाकर के ऐसा है कि अगर आप करियर बनाना चाहते हैं किसी क्षेत्र में तो पूरे मन के साथ उतरें, क्योंकि अगर आप बिना मन के साथ उतरेंगे तो आप कामयाब नहीं हो पाएंगे उस क्षेत्र में। तो सबसे पहले ज़रूरी है, प्राइवेट क्षेत्र में अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आपके अंदर स्किल्स तो होनी ही चाहिए, साथ में आपका मन भी होना चाहिए। तो ये बात थी आज करियर को लेकर के आपके साथ, और ऐसे ही वीडियोस मैं समय समय पर आपके लिए लाता रहूंगा, और मेरी कोशिश रहेगी कि आप सही करियर पाथ चुनें जिससे कि आप जिंदगी में एक कामयाबी हासिल कर सकें। तो इसी के साथ इजाजत दीजिए मुझे, अगली वीडियो में फिर से हाजिर होते हैं नई और ताज़ा तरीन जानकारियों के साथ। नमस्कार।